किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जब आपका हौसला बुलंद हो तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं केएल राहुल का। केएल राहुल टीम इंडिया के एक ऐसे खिलाड़ी है जो बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड खिलाड़ी है, पर उन्हें टीम इंडिया में अभी तक सही तरीके से मौका नहीं मिला है। उन्होंने कई बार अपने आप को प्रूफ करने की कोशिश करी, उन्होंने कई बार अपने आप को प्रूफ किया भी कि वो एक अच्छे खिलाड़ी है, वो टीम इंडिया के लिए फिट बैठते हैं, पर फिर भी टीम इंडिया को उन पर भरोसा नहीं है, टीम मैनेजमेंट को उन पर अभी तक सही तरीके से भरोसा नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि केएल राहुल की जगह किसी और नए खिलाड़ी को मौका दे दिया जाता है, पर मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हो कि केएल राहुल कितने अच्छे खिलाड़ी है और उनमें कितना अच्छा टैलेंट है। तो जिस खिलाड़ी में अच्छा टैलेंट हो, जिस खिलाड़ी में अच्छा क्रिकेट हो, तो मेरे हिसाब से उस खिलाड़ी को परमानेंट कंटिन्यू करना चाहिए, ताकि उसके गेम में और ज्यादा इंप्रूवमेंट आए। पिछले बार भी आईपीएल में आप सभी ने देखा होगा, पंजाब टीम के कैप्टन थे केएल राहुल, और उन्होंने अपनी टीम को अकेले ही संभाला था। मेरे हिसाब से पंजाब अगर कोई भी मैच हार रही थी या जीत रही थी, तो पूरा क्रेडिट जा रहा था केएल राहुल को। ऐसा सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अकेले ही टीम को संभाल रहे थे और सिर्फ उनका साथ दे रहे थे मयंक अग्रवाल। अगर आपको लास्ट ईयर का आईपीएल याद हो तो आपको जरूर पता होगा कि केएल राहुल ने पंजाब में कितनी अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उसके बाद भी टीम इंडिया उन्हें कंटिन्यू नहीं कर रही है, और ऐसा माना जाता है कि टीम इंडिया के अगले कप्तान केएल राहुल होंगे। बिल्कुल होने चाहिए। मेरे हिसाब से विराट कोहली के बाद अगर टीम इंडिया में कोई अच्छा खिलाड़ी है जिस पे हम भरोसा कर सकते हैं, तो वो है केएल राहुल। नो डाउट रोहित शर्मा भी है। रोहित शर्मा कुछ साल और क्रिकेट खेलेंगे, जैसे विराट कोहली कुछ साल और क्रिकेट खेलेंगे, मेरे हिसाब से 6-7 साल और, लेकिन 6-7 साल बाद कोई तो टीम इंडिया को संभालेगा। तो जिसपे आपकी नजर है कैप्टन बनाने की, उस खिलाड़ी को तो आप कंटिन्यू करो ताकि उसकी गेम की इंप्रूवमेंट होए। और मेरे अकॉर्डिंग टीम इंडिया में केएल राहुल से अच्छा कोई खिलाड़ी नहीं है जो टीम के मैनेजमेंट को संभाल सके। आप सभी यही सोच रहे होंगे कि पिछले साल श्रेयस अय्यर की टीम दिल्ली फाइनल में पहुंची थी, श्रेयस अय्यर की टीम, पर किसके वजह से पहुंची थी? अगर दिल्ली टीम फाइनल तक पहुंची है, तो फाइनल तक पहुंचाने का क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो वो जाता है रबाडा को। उनकी बॉलिंग इतनी अच्छी थी, उनके वजह से ही दिल्ली की टीम फाइनल तक पहुंच पाई थी। और मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर कुछ खास नहीं कर पाए थे पिछले आईपीएल में, ये आईपीएल भी उनके लिए काफी खास होगा। इस बार वो अपने आप को प्रूव करने की पूरी कोशिश करेंगे कि उनमें भी अच्छा क्रिकेट है, उनमें भी अच्छा टैलेंट है। नो डाउट श्रेयस अय्यर अलग चीज है और केएल राहुल अलग चीज है। केएल राहुल में बहुत ही शार्प टैलेंट है जो बाकी किसी खिलाड़ी में नजर नहीं आता। तो मेरे हिसाब से केएल राहुल के साथ थोड़ा बहुत गलत हो रहा है, उन्हें टीम इंडिया में कंटिन्यू करना चाहिए, उन्हें बैक टू बैक मौका मिलते रहना चाहिए ताकि उनकी गेम और ज्यादा इंप्रूव हो। वो बहुत अच्छे टैलेंट है उनमें, उनमें बहुत अच्छा टैलेंट है, नो डाउट बहुत अच्छा टैलेंट है, फिर भी पता नहीं क्यों टीम इंडिया उनको ज्यादा मौका नहीं दे रही है। दोस्तों, अगर आप भी केएल राहुल के फैन हो, अगर आप भी ये चाहते हो कि केएल राहुल को टीम इंडिया में सही तरीके से मौका मिलना चाहिए, वो आगे भी ऐसे ही खेलते रहे, तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। दोस्तों, मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाता रहता हूं, तो फिर मिलूंगा आप सभी से अगले वीडियो पे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।